Hi everyone. Welcome you all among Facebook page. Hello. Hello, everyone. जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. आज की रेसिपी बहुत समर स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ. वेलकम यू टू ऑल अमूल फेसबुक पेज. माई सेल्फ शेफ रुची सक्सेना, फाउंडर ऑफ आरजीएस कलिनरी, मुंबई महाराष्ट्र से. और आज की जो रेसिपी है ना, वो एक डेजर्ट की रेसिपी है, चाइनीज डेजर्ट है. और समर, चूंकि समर स्पेशल ये लाइव सेशन कर रही हूँ, तो समर में आइसक्रीम से पीछे कौन रह सकता है. तो बहुत ही डेलिशियस सी आज बनने वाली है रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम विद दर्शन एंड फ्राइड आइसक्रीम. तो सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, फटाफट से जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और शुरू करते हैं आज की रेसिपी. हेलो हेलो एवरीवन. चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो जाता है. तो सबसे पहले ना दर्शन बनाने वाले हैं. दर्शन एक हनी नूडल्स है, जो कि हम यहाँ पर आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे. उसके बाद हम कवर करेंगे आइसक्रीम बेस, फिर फ्राइड आइसक्रीम. आइसक्रीम बेस को ठंडा होने में टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ना आइसक्रीम बेस कवर करूंगा, जिसके लिए क्लियर है आप लोगों को. यहाँ पर हम पहले आइसक्रीम बेस रेडी करेंगे. क्योंकि इसे हमें ठंडा करना है, तो यहां पर ये मैंने लिया है अमूल का मिल्क एक ग्लास, और इसे अच्छे से गर्म करेंगे. मिल्क में यहां पर मैं ऐड कर रही हूं मिल्क का पाउडर. रवि मैं डाल रही हूं इसमें 1 टेबलस्पून शुगर. ये मैं आइसक्रीम का बेस रेडी कर रही हूं. साथ ही में यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर. यहाँ मैंने आइसक्रीम के बेस के लिए लिया है 1 ग्लास मिल्क 200 ml,
एक बड़े चम्मच शुगर, वन टेबलस्पून बिल्क पाउडर, हेलो केम सिंह जी, हेलो भाई जी, हेलो, वेरी नाइस। तो आज सभी लोग बताइए कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है आप लोगों ने, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं लाइव आज का। यहाँ पर मैं कवर करने वाली हूँ आइसक्रीम का बेस, रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम बनाने वाली हूँ, साथ ही में मेक लिया था रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम, फ्राइड आइसक्रीम विद दर्शन, जो कि चाइनीज हनी नूडल्स है, चाइनीज रेसिपी है, चाइनीज डेजर्ट है। तो आज मैं समर स्पेशल में आइसक्रीम, और यहाँ पर जो है मिल्क हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो गया, इसमें मैंने डाला है एक ग्लास 200 ग्राम मिल्क लिया था, साथ में लिया है यहाँ पर 1 टेबल स्पून शुगर, क्योंकि हम यहाँ पर मिल्क भी यूज कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर मैंने डाला है कॉर्न स्टार्च 1 टेबल स्पून, और ये हमारा जाएगा हाफ टी। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, बेस बनाकर हम साइड में रख देंगे, आइसक्रीम को लास्ट में कवर करेंगे, तब तक हम बाकी की अपने यहाँ पर रेसिपीज कवर करेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा, इसे बॉयल आने तक एकदम, कॉर्न स्टार्च किया है इसलिए ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ आपको, ऑलमोस्ट ठीक होना ये देखिए शुरू हो गया है। लगातार इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो जो कॉर्न स्टार्ट किया है उसकी वजह से लम्स क्रिएट हो जाएंगे। देखिए बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, और ज्यादा इसे नहीं पकाएंगे, ये अच्छे से बॉयल हो गया है। हम इसे जब तक ठंडा करने के लिए साइड में रखेंगे, तब तक हमारी यहाँ पर इसे ठंडा करना जरूरी है, तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। के नीचे जल्दी ठंडा हो जाएगा, और अभी हम बैटर रेडी करेंगे। यहां पर मैं दर्शन के लिए बैटर रेडी करूंगी, मैं यहां पर रेडीमेड शीट से नहीं बना रही हूं, आपको आपके साथ में शीट कैसे शेयर करें बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने लिया हुआ है 2 बड़ी चम्मच, जिस क्वांटिटी में आप लेंगे उतना ज्यादा ये बैटर
रेडी होगा, शीट उतनी ज्यादा बनेंगी। तो यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी में एक बड़ा चम्मच मैदा लिया है और एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे क्योंकि हनी नूडल्स है, तो हल्का सा जो सॉल्ट डालने से जो उसकी स्वीटनेस है वो अच्छी हो जाएगी। साथ ही में डाल देंगे ये मेल्टेड बटर, ये मैंने अमूल का मेल्टेड बटर लिया है 1 टीस्पून, और इसे इसका एक घोल रेडी करना है। आप इसकी जगह पे रेडीमेड शीट ले सकते हैं, जो फिलो शीट आती है वो आप ले सकते हैं, स्प्रिंग रोल वाली शीट, लेकिन मैं यहाँ पर आपको स्क्रैच से बता रही हूँ। करीब 1 से 1.5 कप पानी जाएगा इसके बैटर को बनाने के लिए, और अच्छे से इसे फेंटना है, एक भी लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल रनी बैटर हमें चाहिए। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये मैंने लिया है नॉन स्टिक पैन और इसे बस हल्का सा ल्यूकवॉर्म करेंगे, ज्यादा गर्म इसे नहीं करना है। तक मैं इसमें ये मैंने यहाँ बटर लिया है अमूल का बटर, से मेल्टेड बटर है ये, इसे अप्लाई कर देंगे जिससे ये ग्रीस हो गया। बस पैन को ना हल्का सा गरम करना है, ज्यादा नहीं करेंगे। पैन मैंने अलग कर लिया, उसके बाद हम इस बैटर को अच्छे से, पैन हमारा वार्म है याद रखे, तो इस तरीके से जितना फैला सकते हैं फैला लीजिए, और फिर इसे कुक करने के लिए रख दीजिए। बैटर की लेयर अगर थोड़ी सी थिक आ रही है तो थोड़ा इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसे अच्छे से कुक हो जाने देंगे, सारी एजेस जो इसकी है ना वो क्रिस्प होने देंगे पहले, बस इतनी हो जाए कि ये आसानी से निकल सके। जहां पर मैंने शीट बना के रखी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल स्प्रिंग रोल की जो शीट होती है ना वो एकदम क्लीन शीट मैंने यहाँ पे बना ली है। ये देखिए इस तरीके से ये निकलना शुरू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर डस्ट करना है कॉर्नफ्लोर,
फ्लोर को अच्छे से डस्ट करेंगे और ये जो शीट है इसे आप निकाल के इसके ऊपर इस तरीके से इसके ऊपर भी डस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक शीट बनाकर दिखाई इस तरीके से, ये देखिए इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे, चलिए प्रॉपर ठंडी हो जानी चाहिए तो इसे हम साइड में रखते हैं और जो शीट मैंने यहाँ पर बनाई हुई है ये देखिए इसे हम दर्शन के लिए रेडी करेंगे। इस तरीके से शीट को रेडी करना है और फिर रोल करना है क्योंकि हम यहाँ बनाने वाले हैं इसके नूडल्स। ये देखिए इस तरीके से इसे रोल कर लेंगे। साइड जो है इसे थोड़ा थोड़ा कट कर दें। देखिए कितनी जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। आपका बैटर रेडी होना चाहिए, शीट आप एक एक करके ऐसे बना लें और आधे इंच के लगभग इसकी थिकनेस रखकर, ये देखिए ये इसकी थिकनेस है, ऐसे कट कर लेंगे। जब पैन में आप सेकेंड लेयर रेडी करें, थर्ड लेयर रेडी करें, तो तब आपको पैन ना एकदम ठंडा करना होगा और उसके बाद ठंडा करने के बाद में तो उस कंडीशन में आप उसको पानी से एक बार वॉश कर दें तो वो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। उसके बाद फिर से हल्का सा जैसे ही वार्म हो आप फिर से उसे और एक एक करके ये देखिए नूडल्स को ओपन कर देंगे। तो ये होममेड दर्शन नूडल्स जो है हमारे हनी नूडल्स के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है कि आप रेडीमेड स्वीट ला सकते हैं और उसके बाद आप उसको फ्राई करें। दूसरी तरफ यहाँ पर ऑयल, क्योंकि नूडल्स को फ्राई करना है तो मैंने यहाँ पर ऑयल हीट करने के लिए चढ़ा दिया है जिससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। एक एक करके सारे नूडल्स को ओपन कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल स्क्रिप में कितने अच्छे नूडल्स हमारे, ये जो मैंने आपके सामने भी बनाया है उसे भी हम कट करके दिखाएंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद इस प्रोसेस को बिल्कुल अच्छे से इसे एक एक करके ठंडा कर लेना है। आप एक के ऊपर एक फ्लावर को डस्ट करके और सारी जितनी भी शीट है आप इस तरीके से रख सकते हैं, उसके बाद एक साथ रोल करें और काटें। उस कंडीशन में थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा तो आप फ्लावर की हेल्प से उसे रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए नूडल्स रेडी हो गए हमारे पास। अब ये साथ में स्टिक नहीं हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आहिस्ते से इसे उठाना है, बहुत ही नाजुक होते हैं इसलिए ध्यान से। ये हमारे पास है कॉर्न स्टार्च, कॉर्न स्टार्च को अच्छे से इसमें कोट कर देंगे। आप देखेंगे आपके जो नूडल्स है ना ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुए हैं। ये देखिए दर्शन के लिए ये बिल्कुल होम मेड स्क्रैच से हमारी जो हनी नूडल्स के नूडल्स है बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने ना कुछ नूडल्स बना के रखे थे, इसे एक बार थोड़ा सा
डस्ट कर लेंगे। मैंने डस्ट करके रखे थे लेकिन एक बार इसे और डस्ट कर लेंगे जिससे ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हो। ये अब इसे फ्राई करना है तो इसी साइड में रखते हैं। ये जो हमारी दूसरी वाली है ना ये भी देखिए रेडी हो गई, जो अभी आपके सामने हमने यहाँ पर बनाई है इसे भी फटाफट से कट कर लेंगे। एकदम ठंडा करना है, साथ में हमारा जो आइसक्रीम का बेस था वो मैंने बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर दिया था तो वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। इतने अच्छे ये नूडल्स हमारे दर्शन के लिए रेडी हुए हैं। फ्राई करने के लिए जो ऑयल है वो काफी अच्छे से हीट होना चाहिए। ऑयल ना हीट हो गया है और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। देखिए एक एक करके हम उसमें इसे डाल देंगे नूडल्स को और मैं इसे ना एक बार में ही सब साथ में ही फ्राई करूंगी। हेलो वेलकेश जी, हेलो। सो आज का लाइव आप सब कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में बताइए। और आपको आरजीएस के साथ अमूल पर जो है रेसिपी आपने आप सभी को कैसी लगती है वो भी मुझे जरूर बताइए। इन नूडल्स को अच्छी तरीके से पूरा क्रिस्पी फ्राई करना है। इसे फ्राई होने देते हैं, तब तक हम आइसक्रीम का जो हमारा बेस था ये देखिए आइसक्रीम का जो बेस था वो बिल्कुल ठीक हो गया है और अब हम अभी ये थोड़ा सा वार्म है इसे और साइड में रखते हैं तब तक हम नूडल्स फ्राई हो रहे हैं। हम जो आइसक्रीम का बेस है यहाँ पर मैंने लिया है अमूल की फ्रेश क्रीम
इसे अच्छी तरीके से ये बिल्कुल चिल्ड लेनी है। यहाँ पर मैं पूरा पैकेट ले लूंगी। ये मैंने ले लिया है एक पैकेट फ्रेश क्रीम। एक बार नूडल्स को चेक कर लेते हैं। नूडल्स फ्राई क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल झटपट वाली रेसिपी। अगर आप के पास नहीं है स्प्रिंग रोल स्टीक तो भी घर में जो आपके पास आसान से इंग्रेडिएंट है ना उसके साथ में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर ये फ्रेश क्रीम को हम डिप कर लेंगे। गाड़ी गाड़ी रबड़ी जैसा दूध बनकर यहाँ पर तैयार किया था मैंने बनाकर, उसे इसमें मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैं व्हिपिंग क्रीम नहीं डाल रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप व्हिपिंग क्रीम अगर मिक्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो नूडल्स है वो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। वो देख सकते हैं मैं यहाँ पर ऐड करूंगी वन टीस्पून वेनिला एसेंस, साथ ही में ये लिया है मैंने आलमंड। आलमंड को मैंने रोस्ट करके आलमंड लिए हैं, रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम। तो यहाँ पर डाल रही हूँ आधा कप दूध। मिल्क के साथ बना लेंगे पेस्ट। साथ ही में नूडल्स को चेक कर लेते हैं बिल्कुल बढ़िया से।
से मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। नूडल्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं, नूडल्स को पहले निकाल लेते हैं। सारे नूडल्स बढ़िया से क्रिस्प हो गए हैं, सभी बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही हल्की आवाज से निकाले, बहुत नाजुक होते हैं, टूट सकते हैं। आइसक्रीम का जो बेस है आलमंड, रोस्टेड आलमंड का जो पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी है, इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा क्रंच के लिए ऐड करूंगी ये चॉप किया हुआ रोस्टेड आलमंड। ये बेस हमारा फ्रेश क्रीम के साथ में रेडी है, व्हिपिंग क्रीम ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर मैं नहीं डाल रही हूँ। ये जो हमारा बेस है इसे हम ट्रांसफर कर देंगे जिसमें हमें जमाने के लिए रखना है। इसे अच्छे से कवर करके करीब 6 घंटे के लिए, 6 से 8 घंटे के लिए, या फिर आप ओवरनाइट रख दें। उसके बाद एक बार इसे निकालने के बाद में दोबारा से जो आइस क्रिस्टल फॉर्म होंगे उसे निकाल कर एक बार दोबारा से चर्न कर दें। उसके बाद उसे करीब 5 घंटे के लिए फ्रीजर में फिर से सेट करेंगे जिससे हमारी ये जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पर मैं इसे जमाने के लिए रखूंगी। दारचान को फटाफट से रेडी कर लेते हैं। ये मैंने लिया है हनी,
और हनी को मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर 3 चम्मच हनी लिया है, इसे अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। साथ में डाल देंगे ये व्हाइट तिल, ये रोस्ट किए हुए हैं। जैसे ही हनी हो जाएगा, ये सारा इसके ऊपर ऐसे पोर करना है। अगर मैं इसके ऊपर डाल देती ऐसे ना, तो ये सारा नीचे ही रह जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा अच्छे से मिक्स हो सके। ये देखिए हनी और तिल जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। दर्शन बिल्कुल रेडी है। हेलो निलूफर जी, हेलो राधे राधे इंद्रपाल जी। निलूफर जी आज की रेसिपी है चाइनीज डेजर्ट की, जिसमें मैंने बनाया है दर्शन। इसमें स्प्रिंग रोल की जो शीट होती है उसको कट करके नूडल्स बनाते हैं और हनी में और तिल के साथ कोट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये स्क्रैच से बनाया है, किस तरीके से शीट बनाई है वो कवर किया है। थोड़ा सा तिल जो है ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये देखिए हनी नूडल्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं, साथ में रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम का बेस रेडी किया है। एक बार दोबारा से ना ऑयल को गर्म करने के लिए रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो फ्राइड आइसक्रीम है वो रेडी करने वाले हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फ्राइड आइसक्रीम की। तो आलमंड आइसक्रीम का बेस जो भी रेडी किया, आलमंड रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम, इसे मैं फ्रिज में सेट करने के लिए रखूंगी। हेलो वल्केश जी, थैंक यू। और मैं लेकर आती हूँ किस तरीके से हम यहाँ पर फ्राइड आइसक्रीम बनाने वाले हैं। ये यहाँ पर मैं सब आइसक्रीम लाऊंगी तो मेल्ट होने लगती है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 स्कूप आइसक्रीम। साथ ही कॉर्नफ्लोर का, ये कॉर्नफ्लोर को मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके लिया है। आइसक्रीम को हम इसके अंदर पहले और चारों तरफ से ये जो हमारा कॉर्नफ्लेक्स का जो ये पाउडर है हम आइसक्रीम में इसे कवर कर लेंगे। ये मैं आपको यहाँ कोट करके दिखा रही हूँ कि एग्जैक्टली कैसे
करना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो आप इसे थोड़ा होल्ड कर पाएंगे। और एक बॉल शेप इस तरीके से कर लें। इसे बना के ओवरनाइट रखना जरूरी है, तब जाके आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये एक ऐसा आइसक्रीम का कप मैंने ले लिया था जिससे आसानी हो, पूरा पूरा अगर निकालेंगे तो मेल्ट होने लगेगी। इसे मैं जब तक फ्रिज में रखती हूँ। ये मैंने एक बॉल रेडी करके रखी हुई है जी, नहीं कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लोर नहीं, कॉर्नफ्लेक्स जो आप ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं, बस उससे पाउडर करके लेना है कोट करने के लिए फर्स्ट कोटिंग में। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक ये आइसक्रीम को कोट करके रखा है, इसे साइड में रखते हैं तब तक हम एक स्लरी बनाएंगे, बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ। ये यहाँ पर मैंने स्लरी रेडी कर ली है और हमारे ये जो कॉर्नफ्लेक्स है बिल्कुल अभी मैंने इसे क्रश नहीं किया, फर्स्ट कोट में जो ग्राइंड किया हुआ है इसमें कोट करेंगे और सेकेंड में इसको इस तरीके से क्रश कर देना है जिससे ये स्लरी में जाने के बाद, बेसिकली इसे अंडे में कोट किया जाता है, अंडे में कोट करने के बाद में कॉर्नफ्लेक्स के साथ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये एग्लेस है तो आप कॉर्नफ्लोर एंड मैदा की स्लरी बना सकते हैं। सेकेंड कोट वाला जो है आप मिक्सी में बिल्कुल नहीं चलाएंगे, ये बहुत फाइन हो जाएगा। फर्स्ट वाला इसलिए चलाना है क्योंकि थोड़ा होल्ड हो सके, नहीं तो आइसक्रीम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो बनाने से पहले आप पोर्शन वाइज उसे निकाल के और उसे सेट करने के लिए रख दे जिससे थोड़ी सी अच्छे से वो जमी हुआ इसको। प्रोसेस के लिए कम से कम एक घंटे के लिए आप इसको जब रखेंगे ना तब जाके ये बिल्कुल सेट होगा, लेकिन मुझे आपको दिखाना है तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ इसे किस तरीके से आइसक्रीम को कोट करना है। फिर ऑलरेडी मेल्ट हो रही है लेकिन फटाफट से इसे कंप्लीट करते हैं। ये देखिए 2 से 3 बार इस प्रोसेस को आप करेंगे तो ये काफी अच्छे से आइसक्रीम कवर हो जाएगी। देखिए ये एक बार दोबारा से सेट करने के लिए इसे ओवरनाइट छोड़ना है।
जो मैंने यहाँ पर बनाकर रखी है उसे मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। बॉल अच्छे से पूरा जब आपकी कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म होगी ना ऑयल तो ये फटाफट से क्रिस्प होना शुरू हो जाएगा क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स है। तो कम से कम दो से तीन को करके लें लेके दो से तीन कोट करेंगे तो आइसक्रीम जो है ये देखिए ये डन हो गई है। ज्यादा टाइम से नहीं लेंगे तो आइसक्रीम पिघलना शुरू हो गई है। ऑलरेडी क्रिस्प हो चुका है तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्राइड आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे फटाफट से इसकी सर्विंग कर लेते हैं। इस तरीके से केक में लेंगे हनी रोलर्स। और मैं इसे सर्व करने वाली हूँ अमूल की वनीला आइसक्रीम और फ्राइड आइसक्रीम के साथ में। ये है हमारे पास चॉकलेट सिरप। इस तरीके से तो ये लीजिए फ्राइड आइसक्रीम। थैंक यू वल्केश जी। तो आज की जो रेसिपी है वो है फ्राइड आइसक्रीम और आलमंड आइसक्रीम। मैंने रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम आपको बेस उसका बताया किस तरीके से। अब इसमें जो प्रोसेस है वो भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट करी। दर्शान जो है वो
मैंने पूरा स्क्रैच के साथ कवर किया है। तो ये हनी के साथ में बना हुआ है, हनी नूडल्स विथ अमूल की वेनिला आइसक्रीम एंड फ्राइड रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम। डिफरेंस कुछ नहीं है, ये एक चाइनीज डेजर्ट है जिसको आइसक्रीम कोट करके फ्राई करते हैं, तो आइसक्रीम अंदर से मेल्ट हो जाती है। जब आप इसे कट करके खाते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है, और ये एक चाइनीज रेसिपी है। बाकी आइसक्रीम का टेस्ट तो वही रहने वाला है जो आप आइसक्रीम लेंगे उसको बाइंड करने के लिए, जिस फ्लेवर की भी। मैंने अपने पेज पे मैंगो आइसक्रीम के साथ भी फ्राइड आइसक्रीम पोस्ट की हुई है, तो आप किसी भी फ्लेवर की आइसक्रीम के साथ इस तरीके से फ्राइड आइसक्रीम रेडी कर सकते हैं। सो आज का लाइव यहाँ पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक और न्यू सेशन में। आशा करती हूँ कि आरजीएस की रेसिपी आप सभी को पसंद आती होगी। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस, बाय एवरीवन।